किचन फॉर यू। आज हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन आज हम इसे घर में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 लीटर फुल क्रीम वाला दूध, 100 ग्राम चीनी। तो सबसे पहले हम गैस में एक नॉन स्टिक का पैन गरम किया है, इसमें हम दूध डाल देंगे। गैस को फ्लेम हम हाई कर देंगे और दूध को हम उबालने के लिए छोड़ देंगे। दूध जब उबाल जाएगा तब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। ये दूध उबाल गया है तो अब हम इसे चम्मच से एक बार चला लेंगे और अब हम दूध को लगातार 1 से 2 मिनट बाद इसे चलाते रहेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। बस हमें और कुछ नहीं करना है, बस इसे चम्मच से चलाते रहना है जब तक ये 1 लीटर दूध 1/4 ना हो जाए, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए दूध जो है वो आधा से भी कम हो गया है, तो अब हम इसे और थोड़ी देर चलाएंगे और ये दूध जो है वो 1/4 हो गया है 1 लीटर से। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। ये जो मिल्क है ये ठंडे होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, ये देखिए। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और फ्रिज में इसे रखने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। कंडेंस मिल्क आप कोई भी केक या कोई भी मिठाई या कोई भी हलवाई में यूज कर सकते हैं। तो आप अपने घर में इस कंडेंस मिल्क को जरूर ट्राई करें, घर का खाएं और स्वस्थ रहें। अगर मेरी आज की इस कंडेंस मिल्क की रेसिपी आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।